Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic of gynecology, and that is syphilis. Friends, syphilis is a type of sexually transmitted disease जो कि cause होती है Treponema pallidum से. Friends, मैंने already sexually transmitted disease का एक part upload किया हुआ है in which we have discussed gonorrhea. फ्रेंड्स, मैं जितने भी वीडियो शेयर करती हूँ वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार 20 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. चलिए इसी के साथ हम सिफिलिस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सिफिलिस इज कॉज्ड बाय एन anaerobic spirochete and that is Treponema pallidum. ठीक है, ये एक lesion cause करता है genital tract में जो कि acquire होता है किस तरीके से, by direct contact with another person. ठीक है, इसमें primary या secondary open lesion अगर present होते हैं तो उसके through ये चीज transmit हो जाती है. ठीक है, moving on, यहाँ पर हम देखते हैं इसके clinical features. तो इसका जो incubation time होता है, that means इसके infect करने और सिम्टम आने के बीच का टाइम, दैट इज 9 days to 90 days. ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं. और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्राइमरी लीजन मतलब जो पहला लीजन बनता है सिफिलिस का वो सिंगल होता है. ठीक है, और वो लेबिया के रीजन में लोकेटेड होता है. ठीक है, वो और कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, जैसे फोरकेट, एनस, निप्पल, ये सारे रीजन को. ठीक है, और ये यहाँ पर एक स्मॉल पैप्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि इरोड हो जाता है और एक अल्सर का फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है, जो इसके अल्सर्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं और उसमें क्या होता है, आसपास कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, जो प्राइमरी कैंकर है ये 1 से 8 हफ्तों में खुद से ही हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है that the primary canker heals spontaneously in 1 to 8 weeks, leaving behind a scar. ठीक है, जो syphilis होता है इसके इससे tubes जो होती हैं वो infected नहीं होते हैं और इसलिए infertility syphilis की वजह से कभी भी देखने को हमें नहीं मिलती है. ठीक है, now let's move on and discuss secondary syphilis. तो सबसे पहले हमने primary syphilis discuss किया जिसमें हमें क्या पता चला कि 1 से 8 हफ्तों में ये जो अल्सर है वो शाइनी सरफेस वाला, शाइनी फ्लोर वाला जो अल्सर है वो अपने आप हील कर जाता है और एक स्कार छोड़ देता है. ठीक है, अब सेकेंडरी सिफिलिस क्या है, ये 6 से 6 मंथ में मतलब 6 वीक से 6 मंथ में ये अपीयर होता है और यहाँ फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्राइमरी कैंकर. ठीक है, और ये कंडाइलोमा लैटा के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो जैसे पहले वाले प्राइमरी सिफिलिस का क्या नाम था, कैंकर नाम था, वैसे ही जो ये सेकेंडरी सिफिलिस है इसके प्रोडक्ट का नाम होता है कंडाइलोमा लैटा. ठीक है, और ये कोर्स और फ्लैट टॉप्ड मॉइस्ट नेक्रोटिक लीजन्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. हमने देखा था कि जो प्राइमरी सिफिलिस था दैट वॉज सिम्टमलेस, बट यहाँ पे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. वे सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर हो सकता है, हेडेक एंड सोर थ्रोट. ठीक है, कई बार मैक्यूलोपैपुलर स्किन रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं पाम और सोल्स में. ठीक है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, म्यूकोसल अल्सर्स और एलोपेशिया, दैट मीन्स जो हेयर फॉल होता है पैचेस के फॉर्म में हेयर निकल आता है, हम उसे एलोपेशिया की कंडीशन कहते हैं. ठीक है, तो ये जो चीज हमने देखी वो थी सेकेंडरी सिफिलिस. तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि प्राइमरी सिफिलिस जो होता है उसका नाम कैंकर होता है और वो कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है, दैट इज मोस्टली सिम्टमलेस. बट जो सेकेंडरी सिफिलिस होता है ये, इसका नाम होता है कंडाइलोमा लैटा और ये फ्लैट टॉप्ड मॉइस्ट लीशन होता है और ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉम नॉर्मल सिम्टम्स लाइक फीवर, हेडेक टू सीवियर सिम्टम्स लाइक जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी एंड म्यूकोसल अल्सर्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, दैट इज लेटेंट सिफिलिस. ठीक है, ये एक क्विसेंस फेज होता है सेकेंडरी सिफिलिस जब ठीक हो जाता है उसके बाद,
जैसा कि हमने देखा कि प्राइमरी सिफिलिस के बाद सेकेंडरी सिफिलिस आ रहा था, अब सेकेंडरी सिफिलिस के बाद एक लेटेंट स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं लेटेंट सिफिलिस। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 2 से 20 साल तक देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है जो वैरी करता है 2 से 20 ईयर्स तक। नेक्स्ट इज टर्शियरी सिफिलिस। टर्शियरी सिफिलिस क्या होता है? अगर अनट्रीटेड पेशेंट होते हैं, लेटेंट स्टेज ऑफ टर्शियरी सिफिलिस के, तो उनमें हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब जो टर्शियरी सिफिलिस है, इसमें जो आते हैं वो और ज्यादा सीवियर हो जाती हैं, जैसे ये सीएनएस को इफेक्ट करता है, सीवीएस को इफेक्ट करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, कई बार क्रेनियल नर्व पैल्सीज भी देखने को यहाँ पर हमें मिल सकती है। ठीक है, जो बोन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप सबको पता है दैट प्राइमरी जो सिफिलिस का लीजन था उसका नाम कैंकर था, सेकेंडरी का नाम था कंडाइलोमा लैटा, और थर्ड वाले का टर्शियरी सिफिलिस का क्या नाम है? टर्शियरी सिफिलिस को हम जिस नाम से जानते हैं, दैट इज नथिंग बट गुमा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है टर्शियरी सिफिलिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय गुमा। ठीक है, ये गुमेटस अल्सर होता है, ये डीप पंच्ड अल्सर होता है, और इसमें रोल्ड आउट मार्जिन होती है, मतलब ये उभरा हुआ सा रोल्ड मार्जिन वाला अल्सर देखने को मिल सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन, यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट सर्पिजिनस आउटलाइन में भी आल्सो प्रोड्यूस। सो यहाँ पर जो अल्सर होता है वो कुछ ऐसी कंडीशन में, ठीक है, इसमें इवर्टेड मार्जिन्स होती है गुमेटस अल्सर में, और ये डीप पंच्ड, काफी डीप अल्सर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? यहाँ पर मेंशन किया गया है हम पर्सन की हिस्ट्री लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑर्गेनिज्म जो कि है ट्रिपोनेमा पेलेडियम, और ट्रिपोनेमा पेलेडियम क्या है? ये एक टाइप का स्पाइरो कीट है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? इसमें जो स्वैब होता है हम उसे प्राइमरी कैंकर वाले एरिया से स्मियर पिकअप करते हैं, ठीक है, और स्वैब को हम नॉर्मल सेलाइन में डिप कर देते हैं। उसके बाद हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं और हमें ट्रिपोनेमाटा अपीयर होता है, कैसे? मोटाइल ब्लूइश व्हाइट कॉर्क स्क्रू शेप्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये स्पाइरोकीट है तो ये स्पाइरल शेप का होता है, कॉर्क स्क्रू के फॉर्म में ये चीज अपीयर होती है। ठीक है, डिफरेंट सेरोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, जैसे इन्फेक्शन के 6 हफ्तों बाद हम BDRL कराएंगे तो हमें ये चीज पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो कि हम करा सकते हैं, जैसे EAI टेस्ट होता है, स्पेसिफिक IgG और IgM एंटीबॉडीज के लिए, जो कि अभी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन, जो CDC रिकमेंडेशन है, जैसा कि हमने गोनोरिया में प्रीवियस लेक्चर में देखा था सर्टेन ड्रग्स वर यूज्ड, यहाँ पर भी अर्ली सिफिलिस, दैट मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी या फिर अर्ली लेटेंट सिफिलिस के लिए कुछ ड्रग्स मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पर लेट सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ ड्रग्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, फॉलो अप में हमें क्या करने हैं? फॉलो अप का जो केस है इसमें मेंशन किया गया है दैट हमें सीरोलॉजिकल टेस्ट्स परफॉर्म करने हैं पहले 3rd, 6th, और 12th month में एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस के बाद। अगर हमें जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो नेगेटिव है तो हम समझ जाते हैं दैट जो पर्सन है वो सिफिलिस से अब सफर नहीं कर रहा है, उसका जो इन्फेक्शन है वो अब ट्रीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड सिफिलिस एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें हमने देखा कि प्राइमरी लीजन जो होता है, प्राइमरी स्टेज में वो कैंकर होता है, सेकेंडरी में कंडाइलोमा लैटा होता है, नेक्स्ट उसकी लेटेंट स्टेज आती है, और थर्ड वाला जो होता है उसका क्या नाम था? थर्ड वाले का नाम था गुमा, और वो एक डीप पंच्ड अल्सर था। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड सिफिलिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो शेयर करूं और वो वीडियोस मिस ना हो, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।